अच्छा, फिर अपन ने क्या किया इसके अंदर, हल्का सा रिलैक्स ब्लू प्रिंट का, वेरी गुड। हाँ नीला अब है ना, बिल्कुल ओके, लूज। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये बाद बेटा, बाद बस बस बाद बेटा, बस हो गया, बस बस, वेरी गुड, हो गया, हो गया, हो गया, बस बेटा, ये खून का जमा हो जाता है और इसको खून की क्लॉटिंग बोलते हैं। वैसे नॉर्मल तरीके से इसको इस तरीके से खोला जा सकता है, और नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन होता है, ब्लड को निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी इनसे मुलाकात हमारी लेट हुई है, तो उस वजह से खून का क्लॉट हो चुका है काफी ज्यादा, और कुछ समय के अंदर एक जर्सी भरेंगे और एक इनको थोड़ा सा वापस सेटिंग करेंगे, तो उससे इनका जो लिगामेंट और जो मांसपेशी है, खून जम गया है, वो खुल जाएगा। एक तो इस तरीके से ये होता है। और अब एक एक्सरसाइज है, अभी आप बेटा इसमें आपको नीचे प्रेस करो, दबाओ, हाँ फिर छोड़ो, फिर दबाओ इस हिप्स को, हाँ बिल्कुल टाइट टाइट करो, घुटने टाइट करना है, छोड़ना है, दबाओ, हाँ दबाओ, टाइट करो। इसको खून को क्लॉटिंग बोलते हैं, कि भाई क्लॉट जम जाना। अभी जैसे आपने कुछ देर पहले देखा था कितना जमाव था, और अभी ये चीज बिल्कुल रिलैक्स, नीचे रखो बस, हाँ ये भी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सुमित। कहाँ रहते हैं आप? श्रीनगर, अजमेर के ही हो ना? श्रीनगर, नारेली के पास श्रीनगर। तो पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 10th। कौन सी स्कूल से? अच्छा अच्छा सर, इतनी शैतानी क्यों करते हो? है ना, चलो है ना, बहुत ठीक रहा, हो गया, बस बस वही गलती कर। अब आप है ना, ये पैंट ऊपर कर लो बेटा। अभी ये जो दवा लगा रहे हैं, इससे जितनी भी स्वेलिंग है वह सब खत्म हो जाएगी, और अभी आपको परे सिर्फ खटाई का करना है। छाछ दही लस्सी अचार है वह काम में नहीं ले रहे हैं, और खटाई जितनी कम लेंगे, जल्दी चिप हो जाओगे, ना ले खटाई भी ज्यादा अच्छा है। हाँ बाकी कॉफी है, चाय, दूध अगर आप नॉर्मल जो भी लेते हैं वो ले लीजिएगा, और 5-7 दिन अभी रेस्ट कर लेना है, और आपके चक्कर में जो नेक्स्ट परसों तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा क्लॉट खुल गया है, और कहीं कोई लिगामेंट या सेल नहीं टूटते इसके अंदर। चूटी है, अब इस दवा से जितना जो क्लॉट है, नहीं आवाज वो चलो कब रखा हो, नहीं चलना है, सिर्फ इतना ही है कि टॉयलेट वास्ते तक ही जा सके, बाकी तो आराम दो बच्चा। दो से तीन दिन में रेडी हो जाएगा बिल्कुल। एक उपना को मोजो दे रहे हो, वो इन्हें पहन के रखो है, दिन दिन में पहन के रखो है, और कुछ दवाई लिख के दे रहे हो, दवाई नहीं चाहिए।
कैसा लगा? अभी आपने रेस्ट करने इतना रेस्ट करो अच्छे हो जाओ और सोते में पैर पीछे लग जाएगा तो क्या रखना जिससे कि पैर ऊंचा रहे जितना पैर ऊंचा रहेगा चलना बिल्कुल नहीं खटाई नहीं खानी है ये क्या फोन का प्रॉब्लम है आप अपने सेट कर लिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा आज की सिचुएशन में परसों ओके